Hello everyone, so myself Saurabh Khandelwal and welcome to yours YouTube channel Government Job with Icon. So student, today is 19th of September और आज से आ रहे हैं prelims. Basically 2024 का online application start होने जा रहा है, जिसका paper conduct किया जाएगा next year 2nd of Feb 2025 को. तो student, कुछ latest updates हैं RAS exams को लेकर, तो एक बार फटाफट से उन सभी updates को cover कर लेते हैं. तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, टुडे इज 19th ऑफ सितंबर, तो आज से ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने जा रही है आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर. तो स्टूडेंट ध्यान रखें, rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं. डन एवरीवन. सो इसके बाद अगर हम देखें तो स्टूडेंट, एक नोट, प्रेस नोट रिलीज किया गया था आरपीएससी के द्वारा, जहां पर उसके सिलेबस को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर अनाउंसमेंट किया गया है. और ये जो अनाउंसमेंट है ये 17 सितंबर का है, जिसमें राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा जो 2024 की है, उसका पाठ्यक्रम, उसका सिलेबस आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है. वो हम इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर क्लिक करके उसके सिलेबस को कवर कर सकते हैं. तो नेक्स्ट वन स्टूडेंट, व्हाट अबाउट द सिलेबस एंड क्या उसके एग्जामिनेशन क्राइटेरिया रहेंगे, पेपर पैटर्न क्या रहता है, उसको भी हम फटाफट से उसमें कवर कर लेते हैं. तो स्टूडेंट ध्यान रखें, ये जो पूरा प्रीलिम्स का पेपर होगा ये आपका 200 मार्क्स का होता है. ध्यान रखें, टोटल मैक्सिमम मार्क्स 200, लेकिन ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 150. ये पेपर ऑफलाइन मोड पर होता है 3 घंटे का, और इसमें वो सभी स्टूडेंट जो स्नातक हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, वो इस फॉर्म फिल कंप्लीट कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं. प्रीलिम्स का केवल एक ही पेपर कंडक्ट किया जाएगा और उसके बेसिस पर मेंस के लिए स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. ध्यान रखिए, यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी इन केस ऑफ एनी रॉन्ग आंसर. नेक्स्ट वन, अब इसका सिलेबस स्टूडेंट, वैसे तो आरपीएससी ने कुछ ज्यादा चेंजेस इसमें किए नहीं है. जो लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट ईयर जो आरएस प्रीलिम्स का सिलेबस था, वो सेम एज इट इज ही रखा गया है इस बार भी. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत, तो मेजरली क्वेश्चंस आरएस में पूछे जाते हैं राजस्थान हिस्ट्री, और राजस्थान हिस्ट्री में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आर्ट एंड कल्चर से. तो जहां पर ये सभी क्वेश्चंस को आपको टॉपिक्स दे रखे हैं, इस पर आपको अच्छी खासी कमांड करनी रहेगी. तो जब हम राजस्थान की हिस्ट्री कवर कर चुके हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इंडिया जीके की भी आएंगे. इंडिया जीके में इंडियन हिस्ट्री का ये सिलेबस रहेगा. आप इसकी वेबसाइट पर जाकर इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को, डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करें और हार्ड कॉपी के तौर पर अपने पास रखें, ताकि आप लोग और अच्छी तरीके से एक्यूरेट तैयारी कर पाए कि किस टॉपिक पर आपको कमांड करनी है. तो कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पर विश्व भूगोल के भी आते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछी जा सकती है. तो विश्व के भूगोल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे. उसके अलावा राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का ज्योग्राफी इसमें कवर किया जाएगा. यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट लेवल का भी आएगा और नेशनल लेवल का भी आता है. तो यूनियन पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. उसके अलावा यहाँ पर राजस्थान का पॉलिटी, अर्थशास्त्र के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आर्थिक अवधारणाएं एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, मेजरली बजट, निर्माण, बैंकिंग, लोकवित्त, जीएसटी, नेशनल इनकम, और ये सभी टॉपिक्स पर, स्टॉक एक्सचेंज, राजकोषीय मौद्रिक नीति, सब्सिडी, ई कॉमर्स, इन्फ्लेशन, इन सब पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. उसके अलावा आर्थिक विकास एवं आयोजन, कृषि, उद्योग, सेवा में क्या योगदान रहता है. उसके अलावा मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स एंड आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्वेश्चन बन सकते हैं. उसके अलावा राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, मेजरली इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान का बजट, इंडिया का बजट, नेशनल बजट, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. उसके अलावा मैथ्स एंड रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें तार्किक दक्षता चेक की जाएगी, मेंटल एबिलिटी चेक की जा सकती है. कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, इनको आप अच्छे से कवर करें. उसके अलावा करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है आरएस प्रीलिम्स के लिए, जहां पर आपको राजस्थान लेवल के, नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल, तीनों ही लेवल के करंट अफेयर्स को कवर करना रहेगा. ध्यान रखें स्टूडेंट, ये फॉर्म फिलिंग 19 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक की जाएगी. तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, तो इस फॉर्म को फटाफट से फिल कर दें. तो इस पर और भी अपडेटेड वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं. अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आरएएस का एक स्पेशल पैकेज बना हुआ है, प्लेलिस्ट है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, उनके वीडियोस भी आप यहां से कवर कर सकते हैं.
आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।